दिल्ली नगर निगम के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। दिल्ली के द्वारका में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सभा का आयोजन किया। आयोजन में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एनसीपी को ज्वाइन किया, घड़ी के साथ बंध गए हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शास्त्री, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा, एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी को पटका पहना कर ज्वाइन कराई और कहा कि दिल्ली में पार्टी बहुत मजबूत होती जा रही है। आम जनता से लेकर पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी ज्वाइन डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री ने कर ली है, जो कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के समय पर कांग्रेस में कैबिनेट के मंत्री में भी रहे हैं। एनसीपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद संभालते ही द्वारका में पहली बार जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। योगेंद्र शास्त्री ने कहा कि दिल्ली निगम के चुनाव में वह एनसीपी के कैंडिडेट उतारने की योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए दिल्ली के अलग अलग कोने में जाकर युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है और इस परंपरा में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो पहले एमएलए और निगम पार्षद रहे हैं। उत्साह है लोगों में और परिवर्तन चाहते हैं। सबको देख लिया है तो जरूरी है कि नए लोगों को भी देखा जाए। हम देखिए, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी के सिद्धांत, नियम, विचारधारा सब एक हैं। उसमें कोई मुझे खंडन करने की जरूरत नहीं है। गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं दोनों, और आर्थिक दृष्टि से या विदेशी दृष्टि से, विदेश नीति में दोनों की एक ही तरह की भावनाएं हैं। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज अमृत जैसी है और उसका रिजल्ट होता है जहर जैसा, और कई बार जहर जैसा दिखता है लेकिन उसका रिजल्ट होता है अमृत जैसा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। केंद्र की सरकार हम लोग देख ही रहे हैं पिछले 7 सालों से किस तरीके से कर रही है। किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, ये दोनों पार्टी प्रदेश की और केंद्र की हर मुद्दे पे विफल साबित हुई है। दोनों पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार का काम करती है, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे से लोगों को छलने का काम किया है। आज हम लोग एक्चुअल मुद्दों पे उतरेंगे। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किसानों ने इस जिद्दी हट्टी सरकार को घुटने पे टिकने पे मजबूर किया। आज उसी प्रकार से मुझे लगता है देश युवाओं का देश है। दूसरा सबसे बड़ा धोखा अगर देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है, और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने निर्णय किया है देश के युवाओं की आवाज़ बन के दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम इस सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उन्होंने ये बोला कि हम लोग अच्छा जीवन, अच्छा बेहतर युवाओं को देंगे, लेकिन बेहतरी की जगह बद से बदतरी की तरफ हम बढ़ते चले गए। अब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार से जवाब मांगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से किसानों ने इस सरकार के होश उड़ाने का काम किया, अब अगला काम युवा इस देश का इस सरकार से लड़ने का काम करेगी और 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने युवाओं को पार्टी ज्वाइन कराई। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि 2022 का चुनाव दिल्ली नगर निगम में युवाओं के कंधे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले समय में हर उम्र के लोगों को एनसीपी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी और युवाओं में काफी जोश है नई पार्टी ज्वाइन करने पर, और आम जनता की आवाज़ या युवा उठाते रहेंगे। दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 15 सालों से बीजेपी की सत्ता है लेकिन जनता परेशान है। इन परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दिल्ली के वार्डों में जाकर जनता की आवाज़ बनेगी। बदलाव बहुत जरूरी है और अभी तक जो मैंने देखा है, पिछली जितनी भी सरकारें नहीं है, हमने सत्ता बदली है, व्यवस्था एज इट इज है। तो हम लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और कंप्लीट चेंज चाहते हैं। कंप्लीट चेंज में जब आप लोग और हम लोग जब मिलेंगे, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो मेरे कार्यकर्ता हैं और गली गली में कार्यकर्ता हैं, वो लोग हम लोग मेरे कार्यकर्ता जानते हैं कि हम लोगों ने उनको क्या सिखाया है। आज टिकटें जो कोई भी सेवा करने आता है उसका करोड़पति होना ज़रूरी है, उसका पैसे वाला होना ज़रूरी है। हम लोग जैसे हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने बोला है,
कि हम लोग शरीफ ईमानदार अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। और हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हमने जो उनको ट्रेंड किया है इतने सालों में, और गुलशन जी आप जानते भी हो 10-11 साल का मेरा अनुभव है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से, तो जितना भी यूथ है पूरी तरह उतरेगा। और निगम में तो हम लोग बैंड बजाएंगे, क्योंकि निगम जो है पूरी तरह से लोकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर होता है। को ज्वाइन किया है डॉक्टर धीर जी और सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पे थे। ये एक जो है बहुत बड़ा इस क्षेत्र से सेटबैक है बाकी पार्टियों को, और जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी को लेके हम काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, आने वाला जो टाइम होगा उस चुनाव के अंदर, जो म्युनिसिपलिटी का चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, उस पार्टियों का बाकी का हम यहाँ सपोर्टर साफ कर देंगे। यहाँ अब लोगों को ना केजरी चाहिए ना केसरी चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, भाईचारा चाहिए, और जो है अच्छी जो है ना शिक्षा चाहिए। अब स्कूल की बिल्डिंग बनाने से, उसमें कमीशन खाने से थोड़ा ही होगा, स्कूल में टीचर अपॉइंट ही नहीं है, टीचर तनख्वाह के लिए दौड़ रहे, तो हम उस चीज़ को लेके आने वाले चुनाव का बिगल जो है ना फूंक चुके हैं, और जब आएगा चुनाव तो उसके अंदर इनको बिल्कुल इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे।